जुल्म करने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, पर अपने पीछे कुछ ना कुछ तो सबूत छोड़ ही जाता है और आखिरकार वो पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पलामू में। बिना सर पैर वाले इस मामले में महज 10 दिनों में पलामू पुलिस ने न सिर्फ हत्यारों को पहचाना बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। हत्या की साजिश बोकारो में रची गई, जिसकी हत्या हुई वो बिहार का रहने वाला, लेकिन हत्या कर शव को पलामू जिला के छतरपुर थाना क्षेत्र स्थित जंगल में फेंक दिया गया था। पलामू पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को पूरी तरह सुलझा दिया है। पलामू एसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर गठित टीम ने हत्या के कारण और हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के रोहतास के रहने वाले दिनेश राम बीएसएल बोकारो में लंबे समय तक नौकरी कर रिटायर होने के बाद अपने परिवार के साथ बोकारो में रह रहे थे। दिनेश राम के पोते की मौत अगस्त 2021 में दामोदर नदी में डूबने से हो गई थी। बेटे की मौत का सदमा में दिनेश राम के बेटे की भी मौत हो गई। अपने बेटा और पोता को खोने के गम में अपनी जिंदगी से निराश होकर दिनेश राम अपने पुश्तैनी गांव रोहतास चले गए, लेकिन पारिवारिक विवाद की वजह से फिर बोकारो में आकर रहने लगे थे। उनके पड़ोसी युवक ने दिनेश राम से नज़दीकियाँ बढ़ाई और अकाउंट में रिटायरमेंट के 50 लाख रुपये देखकर उस पैसे को हजम करने का योजना बना लिया। पहले तो दिनेश राम की नेट बैंकिंग शुरू करवाई और धीरे धीरे करके 23 लाख रुपए उसने खाते से उड़ा लिए। जब दिनेश राम को इस बात का शक होने लगा तो आरोपी ने रिटायर्ड कर्मी को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। छतरपुर थाना क्षेत्र के लर्मी जंगल में मारकर रिटायर्ड बीएसएल कर्मी को फेंक दिया था। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 आरोपी संतू शर्मा, अभिमन्यु कुमार और मोहम्मद इम्तियाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों ने पूरी हत्या की वजह बताई। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। एक्चुअली क्या है, मैंने यूजुअली कई बार मर्डर केस का उद्भेदन होता है, यह उद्भेदन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, ये केस बिल्कुल ब्लाइंड केस था पुलिस के लिए। जो मृतक था न वो पलामू जिला का रहने वाला था, न पलामू से उसका कोई संपर्क था। वह पैतृक गांव उसका रोहतास जिले में था। वो रिटायर किया था बोकारो बीएसएल से और जो पूरी घटना रची गई वो पलामू में रची गई। तो पुलिस ने इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया और बाद में जो उद्भेदन से खुलकर मामला सामने आया उसमें यह था कि जो मृतक है वो रिटायर्ड बीएसएल कर्मी था जिसकी उम्र करीब 70 से ऊपर थी। इसके पोते की दुर्घटनावश मृत्यु बोकारो में दामोदर नदी में अगस्त 2021 में हुई थी। जब पोते की मृत्यु हुई तो उस सदमे में इसका जो बेटा था वह नवंबर 2021 में मर गया वो, और उसके बाद यह आदमी अपने जीवन से निराश होकर अपने पैतृक गांव में रहने लगा। लेकिन वहां पर पारिवारिक झंझट के चलते पुनः यह आदमी बोकारो में चला गया और बोकारो में जिसके घर में परिचित था ऐसा मिथिलेश पासवान, उसके घर में जब रहने लगा तो उसकी नज़र इसके रिटायरमेंट के पैसों पर पड़ी और उसने देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट अराउंड 50 लाख इसके खाते में है। तो उसने जो है फिर इसका जो है इंटरनेट बैंकिंग का उपाय कराया और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इसको धोखा देकर इसका पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करता रहा और अभी तक 23 लाख रुपया इसका ट्रांसफ़र हो चुका था। यहाँ तक कि इसके मृत्यु के बाद भी जो है पैसा ट्रांसफ़र हुआ है ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा, क्योंकि मृतक का मोबाइल अभी तक जो है उस क्रिमिनल के पास है। तो उद्भेदन के बाद 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, मिथिलेश पासवान और जो मेन शूटर है वो भी फरार हैं, वो भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि बिल्कुल 0 से 100 विद इन 10 डेज पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है।